नल जल योजना वरदान न होकर जी का जंजाल बन गई। बरगी में नल जल योजना के तहत एलएनटी कंपनी के द्वारा ग्राम के सभी मोहल्लों में पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन संबंधित कर्मचारी और अधिकारी ज्यादा से ज्यादा टारगेट पाइपलाइन डालने का लेकर चल रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद खोदे गए मार्ग को पूर्णतः मरम्मत नहीं करते हैं और खोदी गई मिट्टी, पत्थर और गड्ढे ग्रामीण जनों को आने जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, जिसका ताजा मामला ग्राम बरगी की एकमात्र लिंक रोड जो कि नेशनल हाईवे 4 लाइन में मिलती है, शीतला माई वार्ड की रोड विगत 1.5 महीने से कंपनी के द्वारा खुदी की गई है, लेकिन किसी प्रकार से भी खोजी गई सड़क में पाइपलाइन डालने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई। बरसात होने पर लोग से चलकर गिर रहे हैं, गाय और मुंह पशु गड्ढों में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की सरपंच मंजू चौकसे के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ग्राम पंचायत के पंचों के साथ गाँव की गुणवत्ता एवं लगातार काम की सुस्त चाल के विरोध में कंपनी का काम बंद करवा दिया, क्योंकि सरपंच का कहना है कि ग्राम की सड़क पहले जो को दी हुई है उसे ठीक कराएं, उसके बाद कंपनी दूसरी रोड पर पाइपलाइन डाले। कवरेज के दौरान जानकारी लगी कि जहां पर मरम्मत का काम चल रहा है वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर सड़क में गिट्टी डाली जा रही है, वह भी बिना किसी अधिकारी या इंजीनियर की उपस्थिति में। सिर्फ लेबर जहां मन चाह रही है वहां गिट्टी डाल रहे हैं, वह भी मात्र 1 से 2 इंच में, जो कि महीने 2 महीने में ही निकल कर खराब हो जाएगी। इसकी शिकायत संबंधित कंपनी के मैनेजर सुशांत निगम से की गई। उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि जब तक की रोड पूर्णतः नहीं बन जाती तब तक आगे का काम बंद रहेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बरगी से पंच मनीष जैन, निर्मल विश्वकर्मा, अनिल मिश्रा, रामकिशन चक्रवर्ती, रामजी पटेल, उप सरपंच शीतल गिरी गोस्वामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सरपंच महोदया के पास हम पहुंचे हैं। हम जानकारी चाहेंगे कि जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, हम लगातार इस विषय पर कवरेज कर रहे हैं कि एलएनटी विभाग जल नल योजना के नाम पे जो गांव में खुदाई कर रही है और वो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, लगातार शिकायतें आ रही हैं। और स्थानीय सरपंच महोदया ने आज बड़ा कदम उठाया है और काम एलएनटी का बंद कराया है, उस विषय में हम जानकारी चाहेंगे। नमस्कार, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ हूँ, पूरे ग्राम वासियों के साथ हूँ। जहाँ जहाँ गुणवत्ताहीन काम हो रहा है वहाँ हम तत्काल काम रुकवा रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम करें इसके लिए एलएनटी से जो अधिकारी हैं उनको लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम इस कार्य को कर रहे हैं और उनको अभी स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि जो रोड पहले खोदी गई है पहले उसको बनाई जाए, उसके बाद ही हम नए कनेक्शन के लिए आपको अनुमति दे पाएंगे। नल जल योजना जो कि इस समय वरदान की जगह हमारे ग्राम बरगी में अभिशाप बन गई है, मतलब नल जल के नाम पे खुदाई हुई है लेकिन विगत 3 महीने से पूरा गांव अस्त व्यस्त पड़ा, जिसकी शिकायत लगातार पंचायत स्तर पे और जो ठेका कंपनी एलएनटी से भी की गई है। ये शीतला माई वार्ड से निवासी हैं जो कि लिंक रोड मिलती है 4 लाइन पे, ये जो एकमात्र रास्ता है जो बरगी और 4 लाइन के नए और पुराने मार्ग को जोड़ता है। माता जी, क्या हुआ है, ये रोड इतने दिन से यहाँ पे अव्यवस्थित पड़ी है, तो क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है, तो पत्थर डले हैं, चलत नहीं बन रहा, गिर रहे हैं। अच्छा, आपने शिकायत की इसकी? हाँ। की तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। नाम क्या आपका? हमारा राजकुमारी गाय। कहाँ रहती हैं आप? छितलवाई। तो आपको दिक्कत है कि नहीं आपके घर वालों को? दिक्कत तो है, का दिक्कत है, पूरी दिखाई तो रही सामने वा। भैया आ रहे हैं, भैया से पूछे। स्थानीय निवासी हमारे भाई भी यहाँ पे हैं। ये जो रोड खोदी गई है एलएनटी के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना, कितनी तकलीफें हो रही है यहाँ के स्थानीय निवासियों को? ये बहुत तकलीफ हो रही है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, पैदल भी दिक्कत हो रही है, गाड़ी भी दिक्कत हो रही है। अभी और कुछ दिन पहले पानी गिर गया था तो और दिक्कत हो रही थी, पैदल तक नहीं चल पा रहे थे हम लोग, धूल पुल पैरों में लगती थी, तो हम लोग घर जाते थे तो घर में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी पानी गिर गया तो कितनी दिक्कत हुई थी? बहुत हुई थी भैया, गीली मिट्टी हो गई थी तो पैरों में लग के जा रहे थे और हम लोग ढंग से पैदल तक नहीं चल पा रहे थे क्योंकि पैर स्लिप हो रहे थे धूल में। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। बोलते हैं, बोलते बोल रहे कुछ भी बताए। अरे रोड तो बहुत जाने भैया, बहुत खराब रोड बनी है ये। खराब रोड बन रही है, आपको दिक्कत है? क्या हो रही है दिक्कत? का गिरते गिरते बचे और क्या दिक्कत है, यही तो हो रही है। हाल एक खबर है इस मोहल्ले के जो कि पाइपलाइन वरदान की जगह यहाँ अभिशाप बन रही है। चलिए, नल जल योजना
जो कि इस समय वरदान की जगह हमारे ग्राम बरगी में अभिशाप बन गई है। मतलब नल जल के नाम पे खुदाई हुई है लेकिन विगत 3 महीने से पूरा गांव अस्त व्यस्त पड़ा, जिसकी शिकायत लगातार पंचायत स्तर पे और आज जो ठेका कंपनी LNT से भी की गई है। ये शीतला माई बाढ़ से निवासी हैं, जो कि लिंक रोड मिलती है 4 लाइन पे, ये जो एकमात्र रास्ता है जो बरगी और 4 लाइन के नए और पुराने मार्ग को जोड़ता है। माता जी क्या हुआ है, ये रोड इतने दिन से यहाँ पे अव्यवस्थित पड़ी है, तो क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है, तो पत्थर डाले हैं, चला तो नहीं बना रहा, गिर रहे हैं। अच्छा, आपने शिकायत की इसकी? हाँ। की तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। नाम क्या आपका? हमारा राजकुमारी गाय। कहाँ रहती हैं आप? छितलवाई मोहल्ला। तो आपको दिक्कत है कि नहीं आपके घर वालों को? दिक्कत तो है, का दिक्कत है, पूरी दिखाई तो रही सामने में। भैया आ रहे हैं, भैया से पूछे। स्थानीय निवासी हमारे भाई भी यहाँ पे हैं। ये जो रोड खोदी गई है LNT के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना, कितनी तकलीफें हो रही है यहाँ के स्थानीय निवासियों को? ये बहुत तकलीफ हो रही है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, पैदल भी दिक्कत हो रही है, गाड़ी भी दिक्कत हो रही है। अभी और कुछ दिन पहले पानी गिर गया था तो और दिक्कत हो रही थी, पैदल तक नहीं चल पा रहे थे हम लोग, धूल पुल पर पैरों में लगती थी, तो हम लोग घर जाते थे तो घर में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी पानी गिर गया तो कितनी दिक्कत हुई थी? बहुत हुई थी भैया, गीली मिट्टी हो गई थी तो पैरों में लग के जा रहे थे, और हम लोग ढंग से पैदल तक नहीं चल पा रहे थे क्योंकि पैर स्लिप हो रहे थे धूल में। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। बरगी में जो नल जल योजना के नाम पर खुदाई हुई है, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं, ग्रामीण जल का निकलना मुश्किल हो गया है, उस विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं संतोष चौकसी जी, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या रुझान आ रहे हैं ग्राम की ओर के तक। बरगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में LNT की द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से एवं बरगी एवं आसपास के गाँव के लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। जहाँ भी ये खुदाई कर रहे हैं उसमें पहले जिस मोहल्ले की करते हैं उस मोहल्ले की ना जो साफ सफाई करते हैं और ना उसमें पाइप डाल पाते हैं। 15-15 दिन तक लोग परेशान हैं, अपने घर से नहीं निकल पा रहे, लोग मोटरसाइकिल स्कूटी और कार अपने घर में खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। इसके संबंध में मैं यही कहूँगा कि LNT के जो भी अधिकारी हैं वो बरगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस मोहल्ले में या जिस गांव में भी अपनी खुदाई करते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि उस मोहल्ले का, जिस भी मोहल्ले में उनने खुदाई की है, उसका काम पूर्ण तरीके से करें और गुणवत्ता से करें। आने वाले समय में यदि इन लोगों ने ऐसा कार्य या गुणवत्ता से नहीं किया तो हम अपने गाँव में अब इन लोगों को पाइपलाइन नहीं डालने देंगे।